मैं बसुमती दास, मेरे चैनल का नाम है बसुमती दास मैथ्स क्लब। आज मैं आप सबके लिए इंटरेस्टिंग लेसन लेकर आई हूँ, ट्रायंगल्स। मैं आज आप लोगों को क्या सिखाऊंगी ना, ट्रायंगल्स। तो ये ट्रायंगल्स जो है, ये ट्रायंगल्स होते कैसे, पहले हमें वो जानना जरूरी है। ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं ना, ट्रायंगल्स वो पॉलीगन है जिसको जो थ्री साइड से क्लोज है। तो ट्रायंगल होने के लिए हमें थ्री साइड्स होना जरूरी है। जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया, ए बी सी, तो ए इसको हम ट्रायंगल बोलेंगे, पर हम थ्री साइड्स लिया, जैसे कि एक है, पर ये जुड़ा नहीं है, ये खुला है, तो इसको हम ट्रायंगल बोलेंगे? नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल होने के लिए हमें क्लोज फिगर होना, मतलब थ्री साइड से क्लोज फिगर को हम ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम अगर मैं ये ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि ऐसा 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 फिर ऐसा, ये ट्रायंगल है? नहीं है। क्यों ना, यहाँ साइड थ्री नहीं है, यहाँ थ्री से भी ज्यादा है साइड, तो इसको हम ट्रायंगल नहीं बोल सकते। तो ये भी रॉन्ग है, ये ट्रायंगल्स नहीं है। तो ट्रायंगल्स होने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। नंबर वन क्या है ना, हमें ट्रायंगल होने के लिए हमें क्या चाहिए ना, थ्री साइड्स होना जरूरी है। थ्री साइड्स नहीं रहे तो हम उसको ट्रायंगल नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट वाला हम लिखते थ्री साइड्स, ठीक है, और ये थ्री साइड से ये थ्री एंगल भी क्रिएट होता है। ये ट्रायंगल में हमेशा, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है ना, थ्री एंगल्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो हमें ट्रायंगल होने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थ्री साइड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थ्री एंगल्स। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट हमें नंबर थ्री हमें देखना है, अगर ट्रायंगल होने के लिए हमें क्या हल, जैसे कि मैं थ्री फोर और फाइव, जैसे कि हमारा यहाँ ए बी साइड जो है वो फोर है, बी सी साइड जो है थ्री है, और ए सी साइड जो है ये फाइव है। तो एंगल होने के लिए हमें हमेशा दो साइड को प्लस करके जो डिजिट आता है वो थर्ड वाला जो साइड है उससे बिगर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 4 + 3 = 5, या सेकेंड जैसे 3 + 5 = 4, नेक्स्ट यहाँ 5 + 4 = 3। मतलब हमेशा ये ध्यान में रखना, अगर ट्रायंगल का दो साइड को अगर प्लस करते हैं तो जो डिजिट आता वो हमारा थर्ड साइड से हमेशा बिगर होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ 4 + 3 = 7, 7 > 5, नेक्स्ट इज 3 + 5 = 8 होता है, 8 > 4, थर्ड वाला 4 है, नेक्स्ट 5 + 4 = 9 होता है, 9 > 3। क्लियर फ्रेंड? तो हमेशा याद रखना, जो ट्रायंगल में दो साइड को प्लस करके जो डिजिट आता है वो हमेशा थर्ड वाला साइड से बिगर होना जरूरी है। क्लियर फ्रेंड्स? नंबर फोर, जैसे कि ट्रायंगल का थ्री साइड्स रहता है, थ्री साइड्स में जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा वो ट्रायंगल नहीं बना। क्लियर फ्रेंड? तो हमेशा हमें याद रखना है, ट्रायंगल का जो थ्री साइड्स होता है, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो मतलब ये रॉन्ग है। जैसे कि एक यहाँ और एक ट्रायंगल लेके बता, 5 1, यहाँ देखो हमें 2 + 1, ये क्या हो रहा, थर्ड वाला साइड से
छोटा हो रहा है, तो मतलब एक ट्रायंगल नहीं है। क्लियर फ्रेंड? तो हमें ट्रायंगल होने के लिए हमेशा क्या है ना, ट्रायंगल का दो साइड को प्लस करके जो आता है वो थर्ड वाला साइड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। अगर ग्रेटर नहीं हुआ तो हम उसको कभी ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको अभी बताऊंगी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है ये एक तो होता है साइड्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू साइड्स, नेक्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स हमारा ट्रायंगल्स थ्री टाइप्स होता है। फर्स्ट इज स्केलेन, सेकेंड इज आइसोसेलेस, थर्ड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स ट्रायंगल इज स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलेंगे ना, जिसका थ्री साइड्स आर अनइक्वल, जिसका थ्री साइड्स आर अनइक्वल उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेन। तो उसके लिए मैं फर्स्ट फिगर ड्रॉ करती हूँ जिसका थ्री साइड्स आर अनइक्वल, जैसे ए बी सी या ए अगर फाइव लेते हैं, ए है नाइन और ए है एट, तो यहाँ कोई किसी से इक्वल नहीं है। जैसे ए बी नॉट इजिकल टू बी सी नॉट इजिकल टू ए सी, ए होता तो ये स्केलेन ट्रायंगल। नंबर टू फिगर्स, नंबर टू में हमने क्या लिखा, नंबर टू में हमने लिखा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जो ट्रायंगल में दो साइड्स टू साइड्स आर इक्वल उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो ट्रायंगल मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि यहाँ इसका नाम अपन एक्स वाई एंड जेड दे रहे थे, जैसे ए वाला साइड्स और ए वाला साइड्स इक्वल है, इसका हम ले लेते फाइव ए बी फाइव और ए वाला ले लेते ए सेवन। तो यहाँ क्या हुआ ना, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड बट नॉट इज इक्वल टू वाई जेड, या एक्स वाई फाइव है एक्स जेड फाइव है तो इक्वल है, पर वाई जेड जो है ये अनइक्वल है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड बट वाई जेड नॉट इक्वल। तो क्लियर फ्रेंड? तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का फिगर के लिए हमें टू साइड्स आर इक्वल अनदर इज अनइक्वल। क्लियर फ्रेंड? अभी थर्ड फिगर, अभी थर्ड फिगर में क्या है ना, थ्री आर इक्वल। जैसे कि एक ट्रायंगल मैं यहाँ लेती हूँ, जैसे कि एक पी है एक क्यू है और ए आर है, ए इसके साथ ये तीनों साइड इक्वल है, ए भी फाइव है, ए भी फाइव सेंटीमीटर है, ए भी फाइव सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या होता है दोस्त ना, तीनों साइड्स पी क्यू फाइव क्यू आर फाइव पी आर फाइव, मतलब थ्री साइड्स आर इक्वल। इसको हम कैसे लिखते हैं ना, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर। क्लियर फ्रेंड? तो हम अकॉर्डिंग टू साइड्स हमारा ट्रायंगल थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट इज स्केलेन ट्रायंगल, सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड इज इक्विलेटरल। स्केलेन, व्हाट इज स्केलेन, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। फर्स्ट फिगर इज स्केलेन ट्रायंगल, जैसे यहाँ ट्रायंगल लिया ए बी सी, ए बी फाइव बी सी नाइन ए सी एट, तो यहाँ ए बी नॉट इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू। सेकंड फिगर इज आइसोसेलेस, व्हिच ट्रायंगल हैज टू साइड्स आर इक्वल बट अनदर इज अनइक्वल, जैसे कि एक्स वाई फाइव एक्स जेड फाइव वाई जेड सेवन, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड बट नॉट इक्वल टू वाई जेड। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स आर इक्वल दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। हेंस फिगर थ्री ट्रायंगल पी क्यू आर
पी क्यू फाइव, क्यू आर फाइव एंड पी आर फाइव. पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर. क्लियर फ्रेंड? तो यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम होता है मेरे को कमेंट करके बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल को क्लिक करना. तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया. इसके आगे मैं अभी बताऊंगी एंगल. तो अभी अकॉर्डिंग टू एंगल्स, नंबर वन राइट एंगल ट्रायंगल, नंबर टू एक्यूट एंगल, नंबर थ्री इज ऑब्टूज एंगल. तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्रायंगल इज थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल, नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड इज ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल. तो फर्स्ट फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल. तो फ्रेंड मैंने एक फिगर ड्रॉ करी हूँ जिसका नाम है ए बी सी. ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है. अगर कोई यहाँ ऐसे वाला साइन रहता है, ये एक एंगल इसका राइट एंगल होना चाहिए. राइट एंगल मीन्स ये 90 डिग्री का होता है. 90 डिग्री को ऐसे करके डिनोट करते हैं. क्लियर फ्रेंड? तो यहाँ जैसे कि एंगल एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो हम वो ट्रायंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर फ्रेंड? तो यहाँ हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है ए बी सी. हेंस जो एंगल हमारा 90 डिग्री रहता है वो बीच में रहता है. लिखते समय हमें वो बीच में रखना. जैसे यहाँ बी एंगल 90 डिग्री है तो ए बी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सेकंड इज एक्यूट एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल में क्या होता है, सभी एक में फिगर ड्रॉ कर ले. ए एक फिगर है, ए बी सी. यहाँ कोई भी एंगल 90 डिग्री का बराबर नहीं होता, 90 डिग्री से छोटा होता है. तो यहाँ देखो एक्यूट एंगल में हम एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ए बी सी. यहाँ एंगल ए बी सी मतलब बी एंगल, मतलब ए बी एंगल, बी एंगल लेस देन 90. नेक्स्ट बी सी ए, बी सी ए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री से. अगर 90 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर लाइन होता है. परपेंडिकुलर लाइन मीन्स सीधा सीधा खड़ा लाइन. क्लियर फ्रेंड? तो हमें ए सी बी, बी सी बी, बी सी बी मतलब ए सी एंगल, ए बी लेस देन 90. और यहाँ कोई भी परपेंडिकुलर लाइन है नहीं, फिर एंगल ए सी बी ए बी लेस देन 90 डिग्री. तो मतलब समझ जाना ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल. थर्ड वन इज ऑब्टूज एंगल. ऑब्टूज एंगल में क्या होता है, ऑब्टूज एंगल में एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90. मतलब कोई भी एक एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो वो ट्रायंगल को हम बोलेंगे ऑब्टूज एंगल. जैसे कि यहाँ देखो एंगल पी क्यू आर मतलब ए एंगल ए ग्रेटर देन 90 डिग्री. ग्रेटर देन 90 डिग्री हम कैसे समझेंगे ना, हमें 90 डिग्री अगर तो परपेंडिकुलर लाइन में था, परपेंडिकुलर की लेफ्ट साइड में जो लाइन अगर आता है तो वो 90 से बिगड़ है, ऑब्वियसली बिगड़ है. अगर राइट साइड में आता था तो एक्यूट हो जाता था. क्लियर फ्रेंड? तो ऑब्टूज एंगल होने के लिए हमें ट्रायंगल में एक एंगल हमें 90 डिग्री से ग्रेटर होना जरूरी है. क्लियर फ्रेंड? तो ये अच्छे से समझ में आ गया. मैं आपके सामने रखी हूँ, मैं हार गई हूँ. आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, आप लेके रख सकते हैं. और इसको बार बार वीडियो को देखना, अगर समझ में नहीं आया फिर से आप वीडियो को देखो, बार बार देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा. और ये एकदम क्लियर मैं बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत होने की बात ही नहीं है. क्लियर फ्रेंड? तो फ्रेंड ये ट्रायंगल जो है ये सबको रहता है, इसका मैथ्स, इसका मैथ्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड नहीं है. तो मैं अभी तक आपको जो सिखाई हूँ उसके बाद मैं अभी सिखाई हूँ सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल. सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल किसको बोलेंगे ना, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल होता है वो जो दो ट्रायंगल का शेप जो है वो सेम
होना चाहिए और उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे कि यहाँ ए बी सी या पी क्यू आर। तो ये सिमिलैरिटीज है कि नहीं? ना सिमिलैरिटीज होने के लिए क्या होता है, ना इसका शेप जो है, फिगर्स सेम शेप बट डिफरेंट साइज, मतलब सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो ए बी सी और पी क्यू आर एक ही शेप का होना चाहिए। सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल में ये शेप जो है, शेप ए जो है, एंगल और ये सब इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम रहना चाहिए, पर इसका साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ हम ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल अभी समझ में आ गया कि ना दोनों जब दो ट्रायंगल रहता है और दोनों ट्रायंगल का शेप सेम है पर डिफरेंट साइज, उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल सिमिलैरिटीज ट्रायंगल है, इसका साइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे सिमिलैरिटीज का साइन। तो सिमिलैरिटीज का रूल्स क्या है ना, अभी मैं आपको रूल्स बता रही हूँ सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज का रूल्स होता है एस 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 ए एस और ए एस एफ। तो इसका अगर सिमिलर होने के लिए हमारा क्या क्या देखना पड़ता है ना, एक होता है साइड 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 साइड, मतलब ए वाला साइड के साथ ए वाला साइड, फिर ए वाला साइड के साथ ए वाला साइड, फिर ए वाला साइड के साथ ए वाला साइड, अगर इक्वल होता है तो हमारा होता है सिमिलर ट्रायंगल, मतलब साइड साइड साइड। नेक्स्ट वन इज एक साइड ए साइड के साथ एक साइड, ए एंगल के साथ ए एंगल, फिर ए वाला साइड के साथ ए वाला साइड, फिर ए वाला एंगल के साथ ए वाला एंगल। तो यहाँ साइड एंगल साइड मतलब ए साइड के साथ ए साइड और ए एंगल के साथ ए एंगल, ए वाला एंगल के साथ ए वाला एंगल, और फिर साइड ए वाला साइड के साथ ए वाला साइड। तो अगर इक्वल होता है तो हम बोलेंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल। थर्ड वन इज एंगल एंगल एंगल, मतलब थ्री एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इक्वल एंगल बी पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल एंगल आर। जब तीनों एंगल जब से मतलब इक्वल रहेगा तब हम बोलेंगे, अगर ए 90 डिग्री है, बी एंगल 90 डिग्री है या क्यू एंगल 90 डिग्री है, ए 45 डिग्री है, पी एंगल 45 डिग्री है, सी एंगल 45 डिग्री है, आर एंगल 45 डिग्री है, तो हम बोलेंगे तीनों एंगल जब दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल जब सेम रहेगा तब हम उसको बोलेंगे दोनों ट्रायंगल एंगल एबीसी एंड पीक्यू आर आर सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर फ्रेंड? तो फ्रेंड अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसको कहते हैं? मैं आपको बताइए, सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमें शेप सेम होना चाहिए और साइज छोटा बड़ा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के लिए हमें क्या है, नहीं इसका शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ इसका साइड जो है ट्रायंगल लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ B
सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूआर एंड लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पीआर. सेम दिस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर. फिर एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी. सेम दिस पी आर ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. तो फ्रेंड तो हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के लिए हमें क्या करना क्या चाहिए ना दो जो दोनों ट्रायंगल को सेम होना चाहिए शेप भी सेम साइज भी सेम छोटा बड़ा नहीं. इसमें ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर अगर होता है तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी सभी सेम मतलब इसका साइड भी सेम है एंगल भी सेम है तब दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे. और इक्वल दोनों ट्रायंगल हो गए तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर. तो यहाँ हमें कैसे हुआ तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ पी क्यू. फिर लेंथ बी सी ये जो बी सी साइड है लेंथ इज इक्वल टू लेंथ क्यू आर. फिर लेंथ ए सी इज इक्वल टू लेंथ पी आर. सेम दिस एंगल अभी एंगल देखेंगे ये तो साइड हो गया अभी एंगल से एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर. सेम एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल क्यू आर पी. फिर एंगल सी ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. मतलब हमें अच्छा यहाँ हमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ आएगा सी ए बी मतलब यहाँ एंगल एंगल सी ए बी हमें तीनों एंगल आना चाहिए ए एंगल बी एंगल सी एंगल यहाँ क्यू आर पी मतलब पी आर क्यू मतलब तीनों एंगल आना चाहिए. तो हमारे तीनों जब तीनों साइड भी सेम है एंगल भी सेम है तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. क्लियर फ्रेंड. तो अभी आप मैं आपको एक साम्स लेकर दिखाती हूँ कॉन्ग्रुएंट सिमिलैरिटी का. सिमिलैरिटी का एक कॉन्ग्रुएंट का एक ठीक है फ्रेंड. तो फ्रेंड मैं अभी आपको सिखा रही हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स. तो यहाँ देखो दो ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करे हुए हैं जैसे कि ट्रायंगल यहाँ ए बी सी और एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर दो ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करे हुए हैं और इसका ए ई जो है ए इसका हाइट है और ए पी क्यू आर ट्रायंगल का पी टी जो है इसका हाइट है. तो हमने वो ही लिखा है इन फिगर. अभी इसका एरिया के साथ इसका रिलेशन क्या होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल के साथ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अगर किया जाए बेस इंटू हाइट. तो ए ट्रायंगल का बेस क्या है बी सी और इसका हाइट क्या है ए और नेक्स्ट ट्रायंगल का इसका बेस है क्यू आर और उसका हाइट है पी टी. तो ए अगर किया जाए तो मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते दैट इज एरिया वन. एरिया वन मतलब ये एबीसी ट्रायंगल का एरिया और एरिया एरिया टू मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर ये सेकंड वाला ट्रायंगल. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ना बेस वन बेस वन मतलब बी सी ए बी सी इंटू हाइट हाइट मतलब ए ई और बी टू मल्टीप्लाई बाय हाइट टू. बी टू मतलब क्या है बेस इसका क्यू आर और हाइट इसका ये जो पी टी. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते एरिया वन अपॉन एरिया टू इज इक्वल टू बेस वन इंटू हाइट वन फिर बेस टू मल्टीप्लाई बाय हाइट टू. क्लियर फ्रेंड. तो मैं आज यहाँ तक खत्म करती हूँ. मेरे बसुमती दास मैथ्स मेरे चैनल का नाम है मैथ्स क्लास. तो वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना लाइक करना और कमेंट करके मेरे को बताना वीडियो कैसे लग रहा आपको पढ़ाना कैसे लग रहा समझ में आ रहा कि नहीं. तो और मैं आगे फिर मैं ये सिमिलैरिटीज और कॉन्ग्रुएंट का मैं मैच करके बताऊंगी आपको सॉल्व करके.
मैथ्स कैसे आता है, इसका सॉल्व करना कैसे सॉल्व करना पड़ता है, कैसे मार्क्स पूरा लाना पड़ता है ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल तो आपको एकदम क्लास 5 से लेकर 12 क्यों हमेशा हमें ट्रायंगल का काम आता है। ट्रायंगल्स का जो साम्स है, इसको जो प्रॉपर्टीज है जो अपन ने अभी तक सीखा है वही लेके हमें पूरा करना पड़ता है। और ये करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा समझना है और अपने को उसी हिसाब से करना है प्रॉपर्टीज के हिसाब से। पूरा तो बताया गया है अभी तक, जो बताई हूँ पूरा बता दी हूँ, तो इसमें से आगे मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।